It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete. Crack. Conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for the gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now. गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू योर चैनल सो आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट सभी को गुड आफ्टरनून सर की तरफ से और आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले लाइन लाइन आज का टॉपिक तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो बिल्डिंग मेटर चल रहा है हम हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं सीमेंट कंक्रीट और टिम्बर और स्टोन ठीक है काफी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं मोर्टार ब्रिक काफी सारे सब टॉपिक्स भी देखे हैं आज हम लोग लाइन शुरू करेंगे और लाइन को हम लोग के आज ही आज खत्म करेंगे ठीक है तो सबका साथ चाहिए पहले जल्दी से सब लोग कमेंट कर देंगे ऑडियो एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है और फिर हम लोग तो पढ़ते हैं आगे ठीक है, है? जल्दी से लाइक शेयर कर दो सब लोग गुड और गुड आफ्टरनून सभी को अरुण अविनाश भास्कर दत्तारे प्रसाद मिथिलेश देवेन सब लोग जल्दी से कमेंट करेंगे एक बार ऑडियो क्लियर चल रहा है नहीं चल रहा है जल्दी बता देंगे सब लोग जियो बेटा वीडियो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं एजुकेटर और भी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे अपने तो वहां पे तुम तो और लोग का यूट्यूब देख लो बेटा यूट्यूब पेडियो देख लो प्लेलिस्ट में ठीक है अभी फिलहाल आरसी और बी एम सी चल रहा है इसके बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आएगा ही है ना फिलहाल वो जियोटेक नहीं है तो गुड आफ्टरनून सभी को ऑल क्लियर सब बढ़िया है एकदम सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है शुरू करते हैं अपनी बेहतरीन क्लास को ठीक है लाइन हम लोग को समझना है लाइन की बहुत बेहतरीन सी प्रोसेस होती है वो जाननी है बेसिक कुछ डेफिनेशन से आसान आसान चीजें ज्यादा कठिन नहीं है

बेटा अपने उसका क्या नाम है वॉल्यूम इंक्रीज करो सर का वॉल्यूम तो वैसे ही बोलते हैं बाकी सबको पता है प्लस सब्सक्रिप्शन है और आइकॉनिक दो है लाइव क्लासेस कैश कोर्स बहुत सारे फीचर्स प्लस में नहीं है लेकिन आइकॉनिक में तुमको चीज मिलती है जो कि तुम्हारा क्या है पर्सनल पर्सनल हर तरह से हेल्प कर देगा मतलब तो शॉर्ट तो हैंड होल्डिंग हो जाएगी और तुम्हें कोई कंफ्यूजन या जो भी प्रॉब्लम्स आती है तैयारी में सब नहीं जाएंगे ठीक है और स्टडी मटेरियल तुमको मिलेगा तो तुम अपना घर बैठे तैयारी कर सकते हो बढ़िया तरीके से ठीक है तो ये सब बातें सर समझ गए और फीस की बात लोग प्लस की एक साल डेढ़ साल दो साल की फीस यहाँ पे देख सकते होना और ई एम का ऑप्शन अवेलेबल है हमेशा तो ई का ऑप्शन भी तुम लोग नो कॉस्ट इसको परचेज कर सकते हो सब्सक्रिप्शन को ठीक है जो कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी तो और तुम जानते हो एक साल दो साल डेढ़ साल जो भी तुम्हें सही लगे तुम ले सकते हो ठीक है हमारे से अगर तुम लोग एक बार तैयारी कर ली थोड़ी बहुत तो एक साल लो और अगर तुम

है ना बहुत ही जबरदस्त चीज होती है इतना ज्यादा एप्लीकेशन है उसके इंडस्ट्री में कि क्या बताया जाए सस्ती की सस्ती चीज एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त तो समझते हैं व्हाट इज लाइन ठीक है व्हाट इज लाइन अच्छा एक मिनट बोलो ठीक है आवाज थोड़ी गड़बड़ आ रही है एक हेलो 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 एक बार जरा ऑडियो सब लोग चेक करेंगे ऑडियो चेक करेंगे सब लोग हेलो 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 जल्दी बता दो पांच साउंड क्लियर कर रहे हैं ऑडियो क्लियर बताओ जल्दी से हुआ क्लियर कुछ नहीं हो रहा यार कुछ रोज रोज नई नई मुसीबत होती है कुछ फर्क पड़ा बेटा ऑडियो में जल्दी से बताएंगे वैसे हुई कि नहीं जैसे स्टूडियो में आती है पर नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्या मुसीबत हो गई है बेटा ये सब ये अच्छा नहीं होता है दिस इज नॉट गुड हेलो 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 सही हो गई अब सही हो गई लग रहा है ना एक बार जल्दी कमेंट कर दो ऑडियो सही हो गई ऑडियो ऑडियो सही हो गई है हेलो क्लियर हो गया है क्लियर हो गया सही चलो ठीक बहुत बढ़िया है बच गए बच गए हम लोग नहीं तो लगा कि आज ही बर्बाद होएंगे ठीक है सर तो शुरू करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से अब मान के चल रहे हैं कि आवाज़ सब सही आ रही है कमेंट कर देना सर कमेंट तुम लोग के बराबर देख रहे हैं ठीक है लाइव शुरू करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से ठीक है लाइम का एक प्रक्रिया हमको समझनी है एक बहुत बढ़िया साइकिल हमको समझनी है लाइम के अंदर ठीक है लाइम शुरू करते हैं हम लोग जबरदस्त तरीके से सर देखिए तो देखो बहुत सिंपल है लाइम बहुत सिंपल है चूना सबने देख भी रखा होगा ठीक है देखो लाइम हमारा बनता कैसे हमको ये समझना पड़ेगा लाइम क्या होता है कैसे बनता है हमको अच्छे से समझना पड़ेगा वन बाय वन करके और कई सारी बेसिक डेफिनेशन जो लाइन में पूछी जाती है ठीक है तो एक एक करके हम लोग देखते हैं व्हाट इज लाइम लाइम बनता कैसे उसकी मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, है क्या क्या प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है वन बाय वन हम लोग समझेंगे ठीक है चलिए सर तो देखिए ऐसा है लाइम कैसे बनता है इसके लिए एक प्रोसेस होती है हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन सब बहुत ध्यान सुनेंगे ठीक है सब लोग ने कैल्शियम कार्बोनेट सुना हुआ है ओके स्टील बेटा मंथ एंड से स्टार्ट होगा हाँ आप सही हो गया ठीक है हाँ बहुत फर्क यार इस ऑडियो में और जो लैपटॉप से आती है बहुत फर्क हो जाता है दोनों में चलो ठीक है सर सुनिए सर अब अब हम लोग सुनते हैं बहुत ध्यान से देखिए सर लाइम बनता कैसे हमको ये समझना है एक पत्थर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है इसको हम लोग रेड से लेके चलेंगे अब अब सारा रेड से चलेगा का। कैल्शियम कार्बोनेट एक पत्थर है ठीक है पत्थर कह सकते हो जनली तुम इसको लाइम कह सकते हो ये हमारा लाइम है सर लाइम के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ये कैल्शियरियस रॉक है कैल्शियस रॉक का मतलब जिसके अंदर सी की मात्रा बहुत ज्यादा हो तो उनको हम ऑलरेडी समझा चुके हैं इसके अंदर सिलिका एलुमिना वो सब भी होंगे लेकिन उन सबकी मात्रा बड़ी कम होगी पहले तुमको बता चुके हैं ठीक है सर समझ गए आप सर क्या करिए लाइम लेके आइए ठीक है सर हम लाइम लेके आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है फिर क्या करें उसका फिर बताइए आगे क्या करें सर आपने बोला लाइम स्टोन लिया सर ले आए सर लाइम का फॉर्मूला क्या है सीएस सीओ थ्री एक मटीरियल है समझ गए अब हमको करना क्या है हमको एक प्रोसेस के थ्रू इसको लेके जाना है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं सर कैल्सिनेशन बोल रहे हैं लिख दीजिए यहाँ पे कैल्सिनेशन अभी हम डेफिनेशन सब अलग से लिखेंगे पहले हम लोग जरा लाइम साइकिल समझ लेते हैं ठीक है पहले हम लोग लाइम साइकिल समझ लेते हैं उसके बाद हम डेफिनेशन सारी अच्छे से लिख देंगे तो उनको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा सब कुछ अब कैल्सिनेशन में क्या होता है हम लोग इसको किल के अंदर भट्टे के अंदर रख के क्या करते हैं बहुत हीटअप करते हैं बहुत हीटअप करते हैं ठीक है समझते चलना बहुत ध्यान से हम लोग इसको भट्टे के अंदर रख के इसको हीटअप करते हैं तो जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है एक रिएक्शन होती है एक रिएक्शन होती है इसके अंदर इसका सीओ टू निकल जाता है ना रिएक्शन क्या होगी सर देखिए रिएक्शन होती है सीएस थ्री से सी एस थ्री से सीओ टू निकल जाता है सीओ टू निकल जाता है ये हट जाता है यहां से बाहर निकल जाता है और बनता है चूना बोलते हैं बहुत सारे नाम है इसके समझ रहे हो भाई बात सबको समझ में आ रही है ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइम लंप लाइन सब बोलते हैं ठीक है तो सर आप सही कह रहे हैं अच्छा बना क्या यहाँ से सीओ बना यहाँ से सर क्या बना सीओ बना हमारा सी टू निकल गया तो यहाँ लिख दीजिए सर इसी पे लिख दीजिए सर अब क्या बनेगा जब हमने कैल्सुलेशन कर दिया तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला सी देखने को मिला सर सी है ना इसको हम लोग क्या कुछ नाम भी दे रहे हैं इसके कई सारे नाम दे रहे हैं पहले जरा इसको डब्बे में बंद करते हैं सर ठीक है देखो सारे यूजेज वगैरह सब लिख देंगे बहुत ही ईजी सा चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है जल्दी खत्म भी हो जाएगा है ना क्या नाम रखा सर आपने अच्छा हाँ देखिए जरा सबका नाम भी लिखते चलिए नाम नहीं लिख रहे हैं सर आप नाम नहीं लिख रहे हैं नाम लिखिए सर दिस इज लाइम स्टोन सर दिस इज लाइम स्टोन ठीक है और इसके अंदर कितना परसेंटेज ऑफ कैलियम कार्बेनेट ये डिपेंड करता है सर ये डिपेंड करता है क्या पता ये अप्रोसीमेटली नाइन्टी हो क्या पता कैल्शियम कार्बोनेट नाइनटी हो क्या पता सेवेंटी हो क्या पता एट्टी हो डिपेंड करता है कि हमारे लाइम अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज कितना है प्योरिटी वेरी करती है यार प्योरिटी वेरी करती है डिपेंड करता है कि उसमें कितना परसेंटेज है ठीक है हमने सर इसको कैल्सिलेशन किया सर का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली अभी हम समझते हैं लेकिन हाँ आपने सर सिंपल सी बात बोली कि आपने इसको हीट किया आपने इसको सर क्या किया हीट किया भट्टे के अंदर ठीक है जब सर आपने इसको हीट किया तो यहां से सी रिमूव हो गई यहां से सीओ रिमूव हो गई और हमारा बन गया क्या सी इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं क्विक क्विकलाइम बोल रहे हैं बेटा क्या बोल रहे हैं इसको क्विक क्विकलाइम क्विक का मतलब यहाँ पे ये यह तेज है कि ऐसा कुछ नहीं है क्विक क्विकलाइंट बोलते हैं इसको एक और नाम बोलते हैं लंप लाइन लंप लाइन बोलते हैं इसको ठीक है

किसी चीज को अगर तुम भट्टे के अंदर गर्म कर रहे हो तो उसकी एफिनिटी फॉर वाटर क्या होगी भाई ये जो लाइन यहाँ निकलता है ये बहुत ही ज्यादा एकदम पानी के लिए पागल है सर अभी इसको एकदम जला के बाहर निकाला गया मेंशन नहीं है टेम्परेचर हमनेचर लिख देते हैं लगभग ठीक है हजार से बारह की रेंज में रखा जाता है अभी ये सारे डेफिनेशन हम लोग अलग से लिखेंगे ठीक है एक ओवरऑल मोटा मोटा देख लें चैप्टर में चल क्या रहा है एक कहानी पूरी समझ लें फिर फटाफट लिख देंगे सारे पॉइंट्स और वो सारे पॉइंट्स तुम्हारे सारे क्वेश्चन एग्जाम के आराम से हो जाएंगे ठीक है तो आपने बताया सर लाइम है कुछ परसेंट प्योरिटी वेरी कर सकती है लाइम के अंदर सी एस की मात्रा बहुत अधिक है आपने बोला सेवेंटी परसेंट से लेकर वो नाइन्टी फाइव नाइन्टी एट परसेंट तक वेरी कर सकती है ठीक है उसके बाद आपने उसको भट्टे के अंदर गर्म का सी टू निकल गया क्विकलाइम बन गया सर लेकिन ये जो क्कलैन निकला, निकला ना सर ये बड़ा ही परेशान है क्यों परेशान है सर ये बहुत ही क्या नाम है परेशान है ये प्यासा है सर एकदम पानी के लिए प्यासा है सर इसको जला के बाहर निकाला गया है ठीक है ये इतना परेशान है कि भाई इसने अपनी एकदम जी बाहर निकाल रखी है समझ रहे हो कह रहा सर बहुत प्यास लग रही है सर क्या करें क्विक लाइम हम एकदम भट्टे से बाहर आए हमको पानी दे दो पानी दे दो पानी के लिए परेशान है भाई एकदम जीप बाहर निकाल खड़ा हुआ है कौन है सर ये हमारा क्विक्लाइम है ठीक है कोई हंसेगा नहीं बहुत ध्यान समझना ठीक है सर तो अब हमको एक बात समझ में आ रही है इसकी एफिनिटी फॉर वाटर बहुत ज़्यादा है सर इसकी एफिनिटी फॉर वाटर बहुत ज़्यादा है तो सर इसकी एक काम अगर ये क्वी क्लाइम पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा अगर ये क्विक्लाइम हमारा पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो पानी के साथ करेगा रिएक्शन इसको सर पानी चाहिए इसको और कुछ आता ही नहीं दुनिया में इसको पानी चाहिए इस रिएक्शन को जब ये हमारा क्विक लाइम पानी से रिएक्शन करता है ठीक है यहाँ लिखेंगे प्लस वाटर प्लस वाटर ठीक है अच्छा तुम लोग को शायद पता हो कि अगर सीए ओ को लाइम को चूने को अगर हम पानी में मिला दें ठीक है तो चूना एकदम पागल हो जाता है चूना सर एकदम पागल हो जाएगा बहुत जोर से रिएक्शन होती है एकदम क्योंकि इसको पानी चाहिए एफिनिटी फॉर वाटर बहुत ज्यादा है अभी भट्टे से बाहर आया है इतनी जोर की रिएक्शन होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लेकिंग ठीक है बहुत विगरेसली रिएक्शन होती है उसकी वॉल्यूम अचानक से बढ़ती है एकदम ठीक है बहुत फास्ट रिएक्शन है विग्रस रिएक्शन है वॉल्यूम इसकी अचानक से बढ़ेगी दो से ढाई गुना वॉल्यूम एकदम फूल जाती है इसकी तुम कभी रिएक्शन शायद तुमने कर रखी हो तुम अब क्या राम है चूना लो और बाल्टी में पानी लो और जरा डुबो के देखो देखो इतनी आइडिया है है हो ओके तो इसको हाँ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पे पंद्रह पॉइंट छह किलो कैलरी पर ग्राम हीट भी निकलती है बिल्कुल सही बोला बनता क्या बताओ सर बनता क्या हमारा से पढ़ने वाले ये हमारा लाइन इसको लगभग बत्तीस परसेंट पानी चाहिए और ये हमारा बनता है, ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सर हम लोग हाइड्रेटेड लाइन बोलते हैं ठीक है हाइड्रेटेड लाइन ये काम करते हैं ना, हम लोग एक एक साथ डेफिनेशन में लिखते हुए चलते हैं ये सर इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्लेकिंग इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं वॉट इज स्लेकिंग तुमसे कोई पूछे वाटर तुम बोलोगे वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम वैन वाटर इज एडेड टू लंप लाइम या प्यासा लाइम तो तुरंत क्या होता है एक बहुत जोर से रिएक्शन होती है जिसके एंड में बनता है सर क्या सी एच होल्ड सी एच होल्ड इसको हम लोग बोलते हैं इसके कई सारे नाम है लाइम वाटर या हाइड्रेटेड लाइम ठीक है मतलब लाइम तो ये भी है लाइम वो भी है लाइम ये भी है लाइम वो भी है लेकिन सर वो सूखा है और ये पानी के साथ है ये पानी के साथ है ये हमारा पानी के साथ है ठीक है तो ये जो बनता है ये बहुत ही क्या नाम है मतलब स्वेल होने के बाद बना है जब कोई क्लाइम को सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ पानी मिलाया गया और केमिकल रिएक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है ठीक है तो कोई क्लाइम तुम्हारा जब रिएक्ट करता है तो ये थोड़ा सा स्वेल करता है फॉल होता है थोड़ा सा पाउडर के फॉर्म में बाहर गिरने लगता है ठीक है रिएक्शन ऐसे होती है देखो जैसे मान लो एक सेकंड जैसे मान लो ये तुम्हारा एक टुकड़ा पड़ा हुआ है अब यहाँ पानी आया पानी में जब तुमने इसको डुबो दिया तो बाहर से ये क्या नाम है एकदम से लेयर लेयर बन के ऐसे ऐसे गिरने लगती है बाहर ऐसे गिरने लगती है मतलब रिएक्शन होती है ठीक है ये ये रिएक्शन करता है स्वेल करता है पाउडरी फॉर्म में फॉल आउट होता है और उसके बाद एक एंड आता है जब फाइनली ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है ठीक है हाईली एक्जो रिएक्शन है ये हाईली एक्जो रिएक्शन है चलिए ओके okay, सर ये बात भी हमको समझ में आ गई ये बात भी हम लोग को समझ में आ गई और फिर ठीक है अच्छा एक बात और सर ये जो लाइम है इसका नाम तो आपने लिखा ही नहीं इसका नाम तो आपने लिखा ही नहीं सर इसका नाम है हमारा हाइड्रेटेड लाइम क्या नाम है सर इसका हाइड्रेटेड लाइम यहाँ लिखते हैं हम लोग एक सेकेंड अब सही है हाइड्रेटेड लाइम यह है ना दिस इज नथिंग बट हाइड्रेटेड मतलब लाइम को आपने हाइड्रेट कर दिया पानी दे दिया सफिशियंट क्वांटिटी में ठीक है आपने उसको सफिशियंट क्वांटिटी वाटर दे दिया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम सिंपल सी बात है समझ गए सर अब सर क्या है ये जो हाइड्रेटेड लाइम निकला है इसको तुरंत यूज करना होता है यार इसको तुरंत यूज करो नहीं तो ये खराब हो जाता है नहीं तो ये एटमोसफेयर से सीओ को चुरा लेगा और फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें लाइम में ठीक है कैसे सर ऐसा होता है देखो अगर इसी सी एल्डवाइस को इसी सी एच फोल्ड टू को तुम सी के साथ मिला दोगे सी अपने आप ले लेता है एटमोसफियर से ऐसा बोला जाता है अगर तुम हाइड्रेटेड लाइम को लेके आ रहे हो तो उसको तुम्हें तुरंत यूज़ करना है नहीं तो होगा क्या वो पूरा पूरा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें सी के साथ रिएक्शन इमीजिएटली हो जाती है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा इट विल गेट वेस्टेड तो हम लोग को क्या करना है उसको जल्दी अपना रिएक्ट करना है जो भी उसका काम है अभी काम क्या होता है हम लोग यूज इसके देखेंगे आगे यूजेज हम लोग इसके देखेंगे फिलहाल वो जल्दी से वेस्ट हो जाता है ये प्रॉब्लम है सर ये एक बड़ी प्रॉब्लम है ठीक है अच्छा बनेगा क्या सी के साथ जुड़ के बनाएगा क्या देख सकते हो तुम लोग ये हमारा क्या बनेगा सी एच सी थ्री होल्ड टू दो चीजें बनती हैं सी एस सी थ्री होल्ड और अगर सफिशियंट क्वान्टिटी दे दो तो ये बनेगा सी ए सी थ्री क्या बन जाएगा सिंपल सी एस सी ओ थ्री प्लस वाटर सी एस सी थ्री प्लस वाटर यहाँ बनेगा और बात वहां पे खत्म हो जाएगी ठीक है ये देख सकते हो रिएक्शन सब बैलेंस है चलो बैलेंस है यही दोनों बननी चीजें और हमारा फिर से हमको क्या मिल जाएगा लाइमस्टोन मिल जाएगा फिर से हमें क्या मिल जाएगा सर लाइमस्टोन तुमने सुन भी रखा होगा कि लाइम वाटर टर्न इट इज एडेड इन वेन सीओ टू इज वाटर पढ़ा है तुमने बचपन में 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 जब CO2 को लाइम लाइम वाटर या हाइड्रेटेड मिलाते हैं तो हम लोग का वाइट क्या नाम है वो मिल्की क्यों टर्न हो जाता है क्योंकि उसके अंदर सीएस बनता है जिसकी पीपीटी यहाँ पे सेटल कर जाती है ये वाइट रंग का है सर है ना ये इनसॉलिबल है और वाइट रंग का है और ये हमारा पीपीटी फॉर्म में नीचे मिल जाता है अगर तुम एक टेस्ट ट्यूब लो उसके अंदर लाइम वाटर रखते हो और उसमें से सीओ पास कराते हो तो सीएस पी पीपीटी बनती है जो नीचे सेटल करने लगती है इसलिए हम बोलते हैं कि लाइम वाटर टर्न मिल्की या वाइट वीट बनाता है जब उसके अंदर सी मिलाते हैं ठीक है थीके? और फिर से हमारा क्या बन जाता है सी बन जाता है तो इस तरह से हमारी ये लाइफ साइकिल हो गई सर कंप्लीट आप कहना चाहते हैं कहना ये चाह रहे हैं सर आप मोटा मोटा कि इसको भाई इसको जल्दी से क्या करो इसको जल्दी से क्या करना है जल्दी से नहीं अपने आप जल्दी होता है अपने आप ये सी ओ टू से रिएड करता है ठीक है सर अपने आप सर ये किसके साथ रिएक्ट करता है सी ओ टू के साथ रिएक्ट करता है और ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है किस में लाइम स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है सी ओ टू को अब्जॉर्व कर लेता है ऑटोमेटिक तो ये हमारी है लाइम साइकिल इसको तुम देख सकते हो ये हमारी लाइम साइकिल है इसके अंदर तुम तीन चीजें देख पा रहे हो क्या देखने को मिल रहा है अच्छा हाँ एक चीज और नाम तो लिखा ही नहीं सर ये हमारा हो गया कैल्सिनेशन ये हमारा हो गया स्लेकिंग और इस प्रक्रिया को बोलते हैं कार्बोनेशन अरे यार सीओटु के साथ रिएक्शन को कार्बोनेशन बोलते हैं सिंपल सी बात है ठीक है सीओ टू के सीओ साथ सीओटूक्शन लोग क्या बोलते हैं कार्बोनेशन लिख देते हैं यहाँ पे दिस इज नथिंग बट कार्बोनेशन या बल्कि थोड़ा स्टाइल में लिखा जाए थोड़ा स्टाइल में लिखा जाए इसको इंक्लाइन करके लिखते हैं है ना ये हमारा क्या हो गया सर ये हमारा क्या हो गया सर कार्बोनेशन हो गया है ना ये हमारा कार्बोनेशन अगर तुमको ये साइकिल समझ में आ गई है तो तुमको पूरे चैप्टर में कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी भाई आया कहां से सीए से आया बताओ बात समझ में आ रही है डोर विंडो मेसनरी बेटा मेसनरी तो हो गया डोर विंडो सब कंस्ट्रक्शन का पार्ट है समझो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टाइम मिलेगा तो पढ़ा देंगे वीडियो वैसे भी ऑलरेडी हमने यूट्यूब बना रखी है ठीक है सुनते चलना बहुत ध्यान से अब सर हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं और यही सब जो हमने समझा वन बाय वन करके हम इसको पूरा नोट बनाना शुरू करते हैं ठीक है एक बार फिर से सुन लो फिर से रिपीट कर रहे हैं ये लाइम स्टोन है सीएस लाइम स्टोन सर हमको पता है लाइम स्टोन के अंदर सीएस सी मात्रा बहुत ज्यादा होती है कैल्शियरियस रॉक है कैल्शियरियस रॉक है ठीक है लेकिन कैल्शियरियस का परसेंटेज कितना है कैल्शियम कारण परसेंटेज कितना है वो वेरी करता है डिपेंड करता है कि पत्थर टू पत्थर ऑब्वियस बात है लेकिन आप उसको अगर भट्टे के अंदर किल के अंदर उसको हजार बारह सौ हीट अप करेंगे तो सीओ को लूज आउट कर देगा इस प्रोसेस को हम लोग कैंसिलेशन बोलते हैं सीओ क्विक लाइन में बन जाता है ये पानी के लिए सर पागल होता है पानी देखते ही सर पागल होता है स्लेकिंग रिएक्शन करता है और बन जाता है हमारा हाइड्रेटेड लाइम और हाइड्रेटेड लाइम को हम लोग तुरंत यूज करना होता है क्यों, क्यों? क्योंकि वो सीओ के साथ जल्दी रिएक्ट करता है और वापस से बना देता है लाइम स्टोर और इस तरह से ये साइकिल हमारी चलती रहती है ठीक है और ये लाइम साइकिल है ठीक है तो कूक लाइम वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिना पानी का और ये पानी के साथ का ठीक है अब हम लोग डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं चलिए सर एकदम बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं हम लोग तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारे कंप्यूटर पे आ रही है सबसे पहले डेफिनेशन वो है सर कैल्सिनेशन की वॉट इज कैल्सिनेशन ठीक है फटाफट लिखते चलो सब लोग सर के साथ बढ़िया तरीके से क्या बोलेंगे हम हीटिंग ऑफ एनी वन वॉट इज कैल्सिनेशन जल्दी से बताएंगे सब लोग हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन टू रेडनेस हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन टू रेडनेस जब उसको हम लोग एयर के कॉन्टेक्ट लाते हैं और ऐसा काम होता है किल के अंदर ठीक है तो यहाँ लिखेंगे सर एक लाइन हीटिंग ऑफ हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन ठीक है लाइम स्टोन अच्छा सर ये जो लाइमस्टोन है एक बात और लिख दीजिए हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन तो कर रहे हैं ठीक है लेकिन इस लाइमस्टोन के अंदर जो सी एस सी ओ थ्री का परसेंटेज है वो जनरली वेरी करता है सर वो आपका सेवेंटी से कम भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है चलो परसेंटेज रहने दो यार परसेंटेज रहें तो हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन टू रेडनेस टू रेडनेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर इन प्रेजेंस ऑफ एयर चलिए ओके एकदम क्लियर सर कहा इन प्रेजेंस ऑफ एयर नो प्रॉब्लम बात अच्छे समझ में आ गई रिएक्शन भी लिख दीजिए सर देखिए सी एस सी ओ थ्री था हमारा इसको थोड़ा अलग रंग से इतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा सर सी एस सी ओ थ्री हमने लिया था उसको हमने खूब हीट किया खूब जबरदस्त हीट किया भट्टी के अंदर टेम्परेचर हमने कितना रखा लगभग लगभग हज़ार बारह सौ रखा ठीक है क्या हुआ सर क्या बन गया हमारा यहाँ पे सी ए बना जो हीट आपने प्रोवाइड किया उसने इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दिया बॉन्ड को तोड़ दिया सी ओ प्लस यहाँ पे सी ओ टू रिलीज हो गई ठीक है वही सी वही सी ओटो जुड़ गई थी वो यहाँ पर रिलीज हो गई चलो ठीक है कैल्सिनेशन लोग अच्छे से समझ गए आप कैल्सिनेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है यस और नो बात सबको समझ में आ गई है ठीक है ठीक है ठीक है चलो अब अब बात करते हैं जरा क्विक लाइम क्या होता है हाँ हाँ बिल्कुल सही प्ले लिस्ट बेटा है यार प्ले लिस्ट पर पड़ा हुआ है ठीक है चलो दूसरा पार्ट दूसरी डेफिनेशन एक एक करके डेफिनेशन देख लेना सारी अगली डेफिनेशन सर हमारे किसके लाइम की ठीक है कोई क्लाँग। कोई क्लाँग में कुछ नहीं है, मतलब क्या? तुम्हारा कोई बनता है कैल्सिनेशन के लेकिन बात समझने वो ये प्योर हो उसके अंदर परसेंटेज प्योरिटी ऑफ लाइमस्टोन क्या हो ज्यादा हो ठीक है बस इतनी सी बात याद रखनी है तो क्विक लाइम बन जाएगा तो हम यहां लिख देंगे क्लाइम क्या कि विच इज ऑपटेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ लाइम ऑप्टेंड बाय कैल्सिनेशन ऑफ लाइम

नोन आज, नोन आज सारे नाम लिखेंगे सर नॉन एज बता दिए सारे नाम सर क्या क्या सारे नाम बता रहे हैं एक आपने बताया क्विक लाइन क्विक लाइन बोलो ठीक है लंप लाइन बोलिए सर आप लंप लाइन बोलिए या तुमको कॉस्टिक लाइन सुनने को मिलेगा सारा का सारा तुम लिख सकते हो ठीक है लेकिन हाँ एक और बात सर इट हैज हाई एफिनिटी फॉर वाटर सिंपल सी बात है इट हैज हाई एफिनिटी फॉर वाटर क्योंकि अभी अभी ये हीट होके आया है ठीक है इट हैज हाई एफिनिटी फॉर वाटर मतलब वाटर साथ बहुत जबरदस्त रिएक्शन करेगा इट हैज हाई एफिनिटी फॉर हाई एफिनिटीड चलिए अगली रिएक्शन हाई एफिनिटी फॉर वाटर ठीक है चलिए समझ गए सर कोई दिक्कत नहीं अगली डेफिनेशन की बात अगर हम लोग कर लें अगली डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें तो अगली डेफिनेशन सर हमारी है स्लेकिंग अगली डेफिनेशन सर हमारी क्या है स्लेकिंग ठीक है स्लेकिंग क्या होता है यही जो हमारा चूना है यही जो चूना भी निकल के आया है यहाँ पे बट्टे से ये क्या करता है बहुत जल्दी से रिएक्शन करता है ठीक है फास्ट विगरस रिएक्शन होती है स्लेकिंग हम लोग क्या लिखेंगे जब हम लोग पानी को सफिशियंट क्वांटिटी में लाइम को देते हैं तो क्या होता है बहुत विगरस रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन होती है ठीक है हाँ बिल्कुल अच्छा प्ले लिस्ट ट्रांसपोर्टेशन का है चलो चेंज कर देंगे चिंता ना करो चिंता ना करो तो यहाँ लिखते हैं वेन सफिशेंट वेन सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वैन सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ

इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं स्लेकिंग रिएक्शन भी सर यहाँ लिख देंगे हम लोग बढ़िया तरीके से रिएक्शन भी यहाँ पे लिख दिया जाएगा क्या है सर रिएशन कुछ नहीं है सीओ में आपने पानी मिलाया बन गया क्या हमारा है इसको हम लोग जल्दी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइन वॉट इज दिस सर दिस इज नथिंग बट हाइड्रेटेड लाइन अगली जो डेफिनेशन हमारी आ रही है सर अगली जो डेफिनेशन आ रही है तीन आपने हमको अच्छे समझा दी है तीन डेफिनेशन हम लोग अच्छे समझ गए पे लिखी सारी तुम्हारे सामने कैल्सिनेशन लाइम ऑफ लेकिंग ठीक है ये सब एग्जाम में तुमसे तो पूछ सकते हैं डायरेक्टली वन लाइनर फॉर्म में ठीक है नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं जो एडमिशन किसकी सॉरी फोर्थ है एक प्रॉपर्टी होती है कुछ बेसिक टर्म्स हमको समझने पड़ेंगे एक प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिकटी ऑनडा सिटी नहीं बेटा कौन सी सिटी हाइड्रोलिसिटी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है लाइम की जिसकी वजह से ये पानी के अंडर भी सेट हो जाता है मतलब जब डैम्पनेस है या मान लो कहीं पे हवा अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रही है फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं है वहां पर भी हमारा लाइम अच्छे से लोग क्या बोलते हैं इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिटी ठीक है है मतलब लाइम के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो सेट हो जाता है या हार्डन हो जाता है एक वाटर वाटर क्या पे पे प्रेजेंट है मतलब डैम प्लेसेस नमी वहां पे भी ठीक है मेसनरी वॉल के अंदर भी ये क्या होता है अच्छे से डिपॉजिट हो जाता है तुमको एक कमाल कर देते हैं देखो अभी तो क्या है कि सीमेंट सब जगह यूज होता है तुमने देखा होगा कि हमारा जो ब्रिक मेसनरी रहती है उसमें बीच हम लोग आजकल सीमेंट यूज करते हैं बीच में सीमेंट है ना लेकिन पहले के टाइम में जब सीमेंट नहीं हुआ करता था तो पहले लाइम ही चलता था जो एक बहुत ही अच्छा बाइंडिंग मटेरियल था और सीमेंटिंग मटेरियल भी था जो सबको बांध के रखता था जिसके अंदर अच्छी खासी कोई प्रॉपर्टी भी थी तो पहले हमारा लाइम ही यूज होता था फिलहाल अब आजकल जो क्या है सी, क्या चलने लगा है सीमेंट चलने लगा सीमेंट पॉपुलर हो गया ज्यादा लेकिन लाइम भी काफी पॉपुलर था तो हम लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइम ठीक है चलो सुन लो जरा पहले इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइम यहां क्या लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट इज द इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइम बाय विच बाय विच इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन तुमसे एग्जाम्प पूछ सकता है ठीक है स्टार बना देते हैं इसको हाइड्रोलिटी तुमको पता होना चाहिए बाय विच इट्स बाय विच इट्स और हार्ड एंड ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और या ऐसे लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लिख दो या लिख दो कॉमन डैम्प प्लेसेस लिख दो जहां पर नमी बहुत ज्यादा है ठीक है या लिख दो क्या लिख देंगे वेयर देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर या बैकेट में लिख दो ऐसे लिख दो यार इतना लंबा मत लिखो नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर है ना मतलब कुल मिलाकर सर सेटिंग हारने की कोई क्वालिटी तो है नहीं लेकिन फिर भी क्या हो रहा है हमारा लाइन सेट हो जा रहा है ठीक है नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर है तब भी सर वो और ऐसा होता क्यों है ये होती है जो प्रॉपर्टी होती है इसके पास वजह से आती है ठीक है ये प्रॉपर्टी उसकी वजह से आती है चलो ठीक है तो अगर थिक मेसनरी वो तुमको एक एप्लीकेशन बता देते हैं जो बहुत ही थिक मेसनरी वॉल्स होती हैं अब तुमको पता है जो मेसनरी वॉल बहुत ही थिक है तो उनके बीच में क्या होगा उनके बीच में लाइन फंसा रह जाएगा उनके बीच में लाइन फंसा रह जाएगा लेकिन एयर तो आएगी नहीं क्योंकि बहुत थिक है थिक है, है तो उसके बीच में एयर नहीं आएगी तब भी क्या होगा वो सेट और हार्ड हो जाएगा क्योंकि लाइन का एक प्रॉपर्टी है चमत्कारी प्रॉपर्टी इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं हाइड्रोलिसिटी जिसको क्या बोल रहे हैं सर हम लोग हाइड्रोलिसिटी बोल रहे हैं आई होप बात समझ में आई होगी सबको अच्छे से यस और नो बता दो यस और नो बता देंगे सब लोग ठीक है चलो ठीक है ओके 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 वेरी गुड चलो सॉइल हो जाएगा बेटा चिंता ना करो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पूरा नहीं हुआ है क्या सर जी पूरा बेटा उसमें हमने स्पेशल क्लास में कराया हुआ है ठीक है स्पेशल क्लास देखना वहाँ पे करा दिया है और लास्ट डेफिनेशन जो लोग देख रहे हैं वो क्या है सेटिंग ठीक है यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर चल रहा है यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर चल रहा है बताओ वॉट इज सेटिंग सेटिंग तो तुमको पता ही है यार। बहुत बेसिक चीज है हमारा जब लाइन क्या करता है जब लाइम को हम लोग क्या करते हैं प्लेस कर देते हैं तो वो समय के साथ क्या होता है हार्ड हो जाता है सिंपल सी बात है ना होता क्या देखो लाइम को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं लाइम को हम लोग पहले एक पेस्ट बनाते हैं पानी मिला के उसका पेस्ट बनाया जाता है ठीक है रिएक्शन एक्शन हो गए चलो अपना जो भी उसकी स्वेलिंग वेलिंग होनी थी उसको जो फटना था फट गया सब हो गया पाउडर फॉर्म में गिरना था गिर गया फॉल आउट हो गया ठीक है उसके बाद इस पेस्ट को क्या करते हैं इस पेस्ट को बहुत बढ़िया पेस्ट होता है कोई पेस्ट होता है इस पेस्ट को हम लोग क्या करते हैं अप्लाई करते हैं ठीक है पेस्ट को अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद वो क्या होगा थोड़े समय बाद हार्ड हो जाएगा ठीक है और ये सीमेंट की तरह हार्ड नहीं होता है इसका थोड़ा सा अलग बिहेवियर देखने को मिलता है लेकिन हाँ प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग आफ्टर ऑफ लाइन जब उसको तुमने पेस्ट के फॉर्म में यूज किया है यहाँ पे लिखेंगे द तो प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लाइन ठीक है ये सब अपने आप में एक एक नंबर के क्वेश्चन बन बनने तुम्हारे सामने द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लाइन द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लाइन कब प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग लाइन वेन इट हैज बीन हैजर इट हैज बीन कन्वर्टेड converted converted तो लिखा ही नहीं आफ्टर इट हैजिन कन्वर्टेड इंटू पेस्ट आफ्टर इट है ठीक है तो पाउडर से पेस्ट कैसे कन्वर्ट होता है पाउडर से पेस्ट कैसे बनता है पानी मिला के ठीक है आफ्टर फ्टर से पेस्ट फॉर्म ठीक है तो ये पेस्ट हमारा क्या होता है सेट हो जाता है। ये पेस हमारा सेट हो हो जाता जाता है 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 ये पेस्ट हमारा चलिए ठीक सर बात समझ में आ गई है कोई दिक्कत नहीं है अब हम लोग लाइम को क्लासीफाई करेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उस पर चर्चा करेंगे ठीक है लाइम के अंदर प्रेजेंट क्या क्या होता है देखते हैं और यूजेस उसके देखने हैं तो दो तीन तरह के यूजेस हैं हमारे एक एक करके पहले हम लोग जरा इंपॉर्टेंट चीजें पहले देखते हैं तो हम लोग पहले लाइम को क्लासीफाई करते हैं फटाफट ठीक है स्पीड में चलते चलेंगे हाँ प्लास्टिक लॉस हो जाती है बिल्कुल सही बात है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर लाइम को क्लासीफाई करेंगे

ये उस बेसिस पे होगा डिपेंड करता है कि तुम जो लाइमस्टोन यूज कर रहे हो किल के अंदर तुम जो लाइमस्टोन लेके आए हो जिसको तुम भट्टे के अंदर जलाने वाले हो जिससे लाइम बनेगा हमारा तो ये जो लाइमस्टोन है इसकी प्योरिटी कितनी है अगर इसकी प्योरिटी कम है तो भाई प्योरिटी कम है तो बेकार लाइम बनेगा और अगर प्योरिटी बहुत ज्यादा है अगर प्योरिटी बहुत ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा लाइम बनेगा ठीक है तो हम लोग पहले हाई प्योरिटी की बात करते हैं सर देखिए सबसे पहला जो हमारा होता है सर सबसे पहला जो हमारा है वो है एक सेकेंड सबसे पहला जो है उसका नाम है फैट लाइम सबसे पहला जो हमारा है सर उसका क्या नाम है फैट लाइन भाई ठीक है सबसे पहला कौन है सर हमारा फैट लाइन सबसे पहला सर हमारा कौन है फैट लाइन सर फैट लाइन जो आप बनाते हैं उसमें फैट लाइन में जो आप लाइम यूज करते हैं वो लाइम बहुत ज्यादा प्योर है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत अधिक है एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू बाकी तुम जो भी सेकंड नंबर पर हाइड्रोलिक और थर्ड नंबर पर पोअर पढ़ोगे तो फैट लाइन में जो लाइम यूज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्योर है यस और नो वो बहुत ही ज्यादा प्योर है ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे इसके कई सारे नाम हैं दिस इज ऑल्सो इसके बहुत सारे नाम भी हैं यार ठीक है इसको फैट लाइन बोलते हैं इसको प्योर लाइन भी बोलते हैं कुछ लोग फैट लाइन बोलो प्योर लाइन बोलो हाई कैल्शियम लाइन बोलते हैं ठीक है रिच लाइन बोलते हैं एक नाम हो तो तुमको बताएं हम यार इतने सारे दिमाग हमारे आ रहे हैं एकदम से ठीक है फैट लाइन बोलो प्योर लाइन बोलो हाई कैल्शियम लाइन बोलो ठीक है रिच लाइन भी बोल सकते हैं इसको तो रिच चलो हटाओ रिच रिच पोअर क्या करना है ना चलो लिख दो रिच लाइन या इसको वाइट लाइन भी बोलते हैं ठीक है थीके? इसको वाइट लाइन भी बोलते हैं बहुत नाम है सर इसके प्योर लाइन रिच लाइन वाइट लाइन वाइट लाइन भी बोलते हैं बाप रे बाप आज इतने सारे नाम एकदम से याद आ गए हमको हमने तो खुद कभी ध्यान नहीं दिया कि इतने नाम है हमको हाँ आइडिया था ठीक है वाइट रिच हाई कैल्शियम प्योर ऑफ फैट लाइम ठीक है बेसिक डेफिनेशन अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ जो हम लोग लाइमस्टोन यूज करते हैं वो काफ़ी प्योर होता है काफ़ी प्योर होता है ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हाई कैल्शियम लाइन है ये एक इसकी बढ़िया डेफिनेशन देखी जाए एक बार कुछ वैसे नया तो उसमें बताएंगे नहीं ये लोग है ना चलो ठीक है ब्रांड तो वही लिखते हैं अपनी बेसी एडमिशन लिखी जाए तो यहां पे सर क्या था हमारा फैट लाइन के अंदर जो अच्छा तुमको जरा तीनों कंपेयर करते हैं ओवरऑल सुन लो फिर एक साथ लिख देंगे देखो एक सर आप, आपने ये देखिए तीन बताएंगे हमको एक आपने फैट बोला दूसरा आपने हाइड्रोलिक बोला दूसरा आपने सर क्या बोला हाइड्रोलिक बोला और तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे होता है लीन लाइन या पुअर लाइन ये तीन है जनजीली जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं पहले तो समझ लो सर जो फैट लाइम होता है उसके अंदर जो आप कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं मतलब लाइम यूज़ कर रहे हैं उस लाइम में सर उस लाइम में कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज सर ऑलमोस्ट नाइन्टी तक होगा मतलब मतलब नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा ही होगा नाइन परसेंट ज़्यादा मतलब बचा हुआ जो इम्प्योरिटी है वो पाँच परसेंट से भी कम है मतलब हम यहाँ कह सकते हैं सर इंप्योरिटीज़ जो होंगी इंप्योरिटीज पांच परसेंट से भी कम होंगी और कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा तभी आपने जो लाइमस्टोन लिया वो बहुत प्योर है प्योर लाइमस्टोन है तो उसको जब आप कैल्सनेशन करेंगे उसको जब आप हीटप करेंगे तो जो हमारा क्या नाम है लाइम बनता है वो हमारा फैट लाइम होता है ठीक है और फैट लाइम बहुत प्योर है सर प्योर है तो प्यासा भी बहुत जबरदस्त होगा स्लेकिंग भी बहुत जबरदस्त तरीके से करेगा बहुत ज्यादा तो जल्दी जल्दी रिएक्शन करता है स्लेकिंग बहुत फास्ट होती है यहाँ पे और विग्रसली होती है बहुत इनॉमल अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है यहाँ पे लगभग दो से ढाई गुना उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है फैट लाइम की ठीक है ये सब लिखते हैं हम लोग फिर सर हमारा हाइड्रोलिक है हाइड्रोलिक में सर ऐसा होता है हाइड्रोलिक में आपका ऐसा है कि सर जो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी वो घट जाती है ठीक है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी क्या होती है घट जाती है और ये अराउंड तुम्हारी सेवेंटी से नाइन्टी फाइव परसेंट के बीच की रेंज में रहती है ना और प्योरिटी ऑब्वियसली अब क्या होगा फाइव परसेंट से बढ़ जाएगी पाँच से तुम देखो ना पाँच से लगभग पच्चीस परसेंट की रेंज में प्योरिटी चली जाएगी एमप्योरिटी ये एमप्योरिटी ये प्योरिटी सी एस सी कंटेंट की बात हो रही है और पुअर में सर क्या होता है पुअर में इतनी क्ले हो जाती है क्ले का कंटेंट कह सकते हैं बढ़ जाता है ठीक है तो हमारा ये लगभग लगभग सेवेंटी परसेंट से कम हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट फिर अब पता है देखो जैसे जैसे क्या होता है हमारी इंप्योरिटी बढ़ती है जैसे जैसे हमारी इंप्योरिटी क्या होती बढ़ती जाती है सर हम देख रहे हैं इन तीनों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी इंप्योरिटी बढ़ रही है ठीक है प्योरिटी कम हो रही है इसका कलर इसका कलर अगर तुम देखो तो जितना प्योर उतना वाइट लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे एकदम मड़ी कलर का होने लगेगा ब्राउन रंग का होने लगेगा इधर व्हाइट होगा तो इधर कैसा हो जाएगा ऑलमोस्ट मडी मड़ी कलर आएगा सर ब्राउन रंग आने लगेगा यहाँ पे समझ रहे हो इधर व्हाइट और इधर कैसा हमारा ब्राउन रंग समझ धीमे तो धीमे क्या होने लगेगा पुअर होने लगेगा ये पुअर होने लगेगा और इसके अंदर इम्प्योरिटी मात्रा बढ़ेगी हम कह सकते हैं इससे नीचे जा रहे हैं तो सीए सी ओथे की मात्रा घट रही है लेकिन क्ले की मात्रा क्या हो रही बढ़ रही है क्ले की मात्रा क्या हो रही बढ़ रही है इस क्ले की वजह से ही क्ले की इंप्योरिटी आने की वजह से हमारे यहाँ पे दो तीन चीजें होती हैं क्या एक तो कलर इसका ब्राउन की तरफ होने लगता है दूसरा हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज ज्यादा आती हैं हाइड्रोलिसिटी इसकी बढ़ जाती है मतलब एबिलिटी टू सेट अंडर वाटर एबिलिटी टू सेट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिटी वो ज्यादा होती है हाइड्रोलिक लाइन में एज कंपेयर टू फैट लाइन ठीक है बात सबको समझ में आ गई होगी बढ़िया से यहाँ पे हमने तीनों लिख दी अब हम यही तीनों अच्छे से जरा डिफाइन कर देते हैं ठीक है यही तीनों जो हमने यहां पे लिखे हैं अभी इसको हम लोग क्या करेंगे बढ़िया से वन बाय वन करके लिख लेंगे ठीक है चलिए सर जल्दी जल्दी फटाफट लिख दिया जाए फटाफट लिख दिया तो हम लिखेंगे सर ये जो हमारा फैट लाइन है सर ये जो हमारा फैट लाइन है ये बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है यहाँ लिखे दिस स्लेक्स विगरसली बहुत हाईली एक्टिव रिएक्शन है दिसरसली ठीक है दूसरा दूसरा पॉइंट इसी में लिखते जाओ फटाफट है ऑप्टेंड बाय कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन ऑप्टेंड बाय कैल्सिनेशन ऑफ कैसा लाइम स्टोन बताओ प्योर लाइम स्टोन ऑपटेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ ठीक है प्योरेस्ट लाइम स्टोन अराउंड ठीक है प्योरेस्ट लाइम स्टोन और यहाँ लिखेंगे जो उसकी प्योरिटी है जो उसकी प्योरिटी है सर वो ब्रैकेट लिखेंगे ग्रेटर देन नाइन्टी फाइव परसेंट अभी तुमको हमने अच्छे समझाई दिया है ना अच्छे से तुमको हमने समझा दिया तभी इसको हम लोग बोलते हैं प्योर रिच हाई कैल्शियम एग्जाम्पल है ना ये सब लिखा हुआ है यस बिल्कुल सही बात है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं अगर तुम इसके एग्जाम्पल्स की बात करो तो जो समुद्री शेल्स होते हैं सी शेल्स होते हैं वही है ये बहुत प्योर रहते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा उसमें बहुत अधिक रहती है ठीक है और इनका जो कलर होता है परफेक्ट व्हाइट कलर होता है एकदम परफेक्ट व्हाइट कलर होता है इसमें क्ले की इम्प्योरिटी बहुत कम है परफेक्ट वाइट कलर यहाँ लिखेंगे बिकॉज लेस ब्रैकेट में लिख देंगे सर क्यों क्योंकि इम्प्योरिटी जो कि क्ले है वो कम है ठीक है क्ले इंप्योरिटी इज लेस तो ऑब्वियसली क्ले की से हमारा ब्राउन कलर आता है तुमने तो क्ले देखी होगी सारे बच्चों ने क्ले देख रखी क्ले ब्राउन रंग की होती है ना बिल्कुल सही बात है सर बिल्कुल सही बात है और सर लास्ट पॉइंट सर ये जब पानी से रिएक्शन करता है ना तो कुछ देखता ही नहीं है सर ठीक है इसकी रिएक्शन बहुत विगसली होती है और इट इंक्रीज वॉल्यूम इट इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम इट इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम दो से ढाई गुना बाय टू 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 पॉइंट फाइव टाइम्स है ना टू 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 पॉइंट फाइव टाइम्स काफ़ी फास्ट रिएक्शन होती है देन इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ठीक है अच्छा सर इसको यूज़ कहाँ करते हैं तुम तो बताओ वाइट वॉशिंग वगैरह में यूज किया था इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ठीक है तभी इसको क्या बोलते हैं हेंस हेंस नोन नोन एज एज लाइन लाइन ठीक है line, और जब रिएक्शन होती है तो बड़ी प्रॉब्लम आती, आती है भाई बड़ी प्रॉब्लम आती है ठीक है काफी स्लेकिंग में क्या होता है जो पूरा इसके ऊपर की लेयर होती है वो पाउडर बन के फॉलो आउट करती है बाहर फॉल आउट करती है बाहर ठीक है उसके बाद तुम तो उसको यूज कर सकते हो अच्छे से ठीक है यूजेस हम लोग देख लेते हैं इसके लास्ट लास्ट पॉइंट है यूजेस सर क्या हो जाएंगे यूजेज सर हो जाएंगे इसके वाइट वॉशिंग वगैरह वेरी इंपॉर्टेंट पूछा सकता है कि ठीक है कहाँ यूज होता है ये कहाँ यूज़ होता है यूज लिख देंगे फटाफट फड़ा हम लोग क्या है देखो देख लेते हैं प्लास्टरिंग पेंटिंग वाइट वॉशिंग ये सारे इसके यूजेज हैं ठीक है पूछता है एग्जाम है वाइट वॉशिंग हम लोग कौन से लाइन से करते हैं कौन से चूने का इस्तेमाल करते हैं तो तुम क्या बोलोगे प्लास्टरिंग हो गई पेंटिंग है वाइट वॉशिंग है ये सब हमारा इसी से होती है इसी से ये सब होता है ठीक है प्लास्टरिंग पेंटिंग वाइट वॉशिंग ये हमारा फैट लाइम हो गया खत्म अब आता है हमारा दूसरा ठीक है रुक जरा स्लेकिंग हमने हीट के बारे में नहीं लिखा था, था यार हीट लिख देते हैं लोग हीट लिख दी जाए स्लेकिंग स्लेकिंग में सर आपने हीट नहीं लिखी थी है ना यहाँ पे देखो हीट भी बनती है ना यहाँ हीट निकलती है हीट आपने नहीं बताई सर हमको हीट बनती है कितनी पंद्रह पॉइंट छोटे बोला था ना पंद्रह पॉइंट छ किलो कैलरी पर ग्राम ठीक है ये स्लेकिंग होती है चलो ठीक है स्लेकिंग जो है बहुत अच्छी खासी हीट हमारी निकलती है ठीक है ओके और ये हमारा हाइड्रेटेड लाइम है इसके भी कई सारे नाम है हाइड्रेटेड लाइम बोलो हाइड्रोलिक लाइम भी बोल सकते हैं इसको है ना चलो ठीक है हाइड्रेटेड बोलो हाइड्रोलिक बोलो या इसको स्लेगड लाइम बोल सकते हो स्लेग्ड लाइम सब एक ही है सब एक बालक। है बालक ठीक है चलिए तो बात हम लोग समझ गए बहुत बढ़िया तरीके से एकदम सारी डेफिनेशन हम लोग को समझ में आ रही है एकदम सारी डेफिनेशन डेफिनीशन लोग अच्छे समझते चल रहे हैं यहाँ पे ठीक है हाइड्रोलिसिटी हो गई सेटिंग हो गई यहाँ पे उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम फैट लाइम प्योर लाइम हाई कैल्शियम रिच और व्हाइट लाइम यहाँ पे हमने समझ लिया है पहला हो गया था ये दूसरा हम देखते हैं जरा क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा है दूसरा सर हमारा कौन है दूसरा हमारा कौन है हाइड्रोलिक लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक है थोड़ा सा इंप्योर है ऑब्वियसली थोड़ा सा इम्प्योरिटी क्या होगी बढ़ना शुरू हो जाएगी ऑब्वियसली अब इम्प्योरिटी क्या होगी सर हमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी समझते चल रहे हैं सब लोग और इसको देखो कई सारे इसके नाम भी हैं, इसको बोलते हैं वाटर लाइन इसको एक और नाम है इसको बोलते हैं वाटर लाइन क्यों क्योंकि इसके पास एबिलिटी है वाटर में सेट होने की हाइड्रोलिक लाइन को एक और नाम से बोलते हैं इट इज नोन एज वाटर लाइन बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू सेट अंडर वाटर बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू सेट अंडर वाटर ठीक है मतलब हाइड्रोलिक लाइन के अंदर सर क्या है, कहां यूज होता है? आप देखो परसेंटेज हमारा कम हो जाता है इट पजेस हमारी क्या प्रॉपर्टी सर इसके अंदर है से है ना? अब परसेंटेज प्योरिटी क्या, क्या हो गई थोड़ी सी घट गई है परसेंटेज प्योरिटी थोड़ी सी घट जाती है तुमको हमने बताया था अभी ठीक है ये लगभग सेवेंटी से नाइनटी टू परसेंट की रेंज में रहता है ठीक है ऑपटे फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ कौन सा लाइम स्टोन जो थोड़ा सा इंप्योर है कैल्सिनेशन ऑफ कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन लाइम स्टोन है्योरिटी कितनी, कितनी? सत्तर से नाइन्व परसेंट रेज में आपने बताया था ठीक है सत्तर से नाइन्टी टू चलो लिख लो जो लिखा है बुक में वही लिखा जाएगा सत्तर से नाइनटी टू परसेंट ऑब्वियसली इसका कलर क्या होगा इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिस साइड में चला जाता है थोड़ा सा ब्राउनी साइड में चला जाता है किससे बनता है कंकड़ के फॉर्म से बनता है कंकड़ से कंकड़ हो गए मडस्टोन हो गए उससे हमारा ये मैनुफैक्चर होता है ठीक है कंकड़ हो गया मडस्टोन हो गया ये सब ठीक है इसको वाटर लाइन बोलते हैं ये भी हो गया सब कुछ क्लियर है और एक और बात पिछला वाला जो था हमारा पानी में सॉल्युबल था ये जो था सर ये जो था ये सॉल्यून वाटर था ये सॉल्युबल इन वाटर था तो पानी जब रहेगा तो ऑब्वियसली सेट तो हो ही नहीं पाएगा लेकिन ये सर हमारा क्या है ये पानी में सर क्या इनसॉल्युबल है ये इन सोलबल इन वाटर मतलब पानी रहे ना रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये सेट हो जाएगा ये इन सोलबल इन वाटर है इन सोलबल इन वाटर है और ठीक है कलर थोड़ा सा डल हो जाता है ठीक है एंड लिटिल डल कलर देन ऑलमोस्ट व्हाइट भी रहता है ऑलमोस्ट थोड़ा व्हाइट भी रहता है ऐसा नहीं है लिटिल डल कलर ठीक है व्हाइट ही है लेकिन डल व्हाइट कलर लिख दो ज्यादा बढ़िया है ना डल व्हाइट कलर लिख दो देन हमारा फैट लाइन देन फैट लाइन और लास्ट हमारा यूजेस तो जो हमारी ब्रिक मेसनरी में काम होता है उसमें काफी ज्यादा इसका यूज होता है है ठीक ब्रिक और एग्जांपल इसके यूजेस 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 सर इसके कहां पे है ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी में ठीक है ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी के बीच में इसको यूज किया जाता है क्यों सर इसको उसको आप ऊपर यूज करते हैं प्लास्टिक और पेंटिंग वेंटिंग में ठीक है इसको आप यहाँ का यूज करते हैं कियों? क्यों क्योंकि इट हार्ड फास्टर इट हार्डेंस और सेट्स फास्टर इट हार्डेंस और सेट्स फास्टर देन फैट इट हार्डेंस एंड सेट्स फास्टर देन फैट लाइन ठीक है फैट लाइन थोड़ा टाइम लगता है ज्यादा प्योर हो जाएगा थोड़ा तो सा उसको टाइम लगता है एज कम्पेयर टू क्या हमारा हाइड्रोलिक लाइन ठीक है तो ये सारी कहानी हो गई हाइड्रोलिक लाइन की और हाइड्रोलिक में तुम्हें इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा ठीक है थर्ड हमारा क्या है थर्ड जो है सबसे बेकार है सर सबसे बेकार आप लोगों को अच्छे समझा दिया है सबसे बेकार इसको हम लोग बोलते हैं क्या पुअर लाइन इंप्योर लाइन कई सारे नाम है पुअर लाइन बोलो पुअर लाइन बोलो इंप्योर लाइन बोलो ठीक है पुअर बोलेंगे इंप्योर देखो कुछ भी तो मिल सकता है सब पहचान लो ठीक है पुअर बोलो लीन बोलो ठीक है अब इसमें सर क्या है क्ले का परसेंटेज जितना बढ़ चुका होता है कि ये इसका कलर पूरा वाइट हल्का वाइट और एकदम ही ब्राउन हो जाता है वो है ना ये सर एकदम ही ब्राउन हो जाता है ये एकदम इंप्योर है लीन है इट कंटेेंस मोर देन 30% ऑफ क्ले और बहुत स्लोली स्लोली स्लेक करता है ठीक है इट कंटेन्स मोर देन थर्टी परसेंट क्ले मोर देन थर्टी परसेंट क्ले स्लेक्स स्लोली ठीक है एंड हेंस स्लेक्स स्लोली एंड हेंस स्लेक्स स्लोली बट पजेस हाइडोलिसिटी बट पजेस हाइडोलिसिटी ठीक है बट पजेस क्या हाइडोलिसिटी देखो क्ले के बढ़ने से एक बात समझ लो एक बात समझो सर हमने तीनों में क्या देखा हम अगर तीनों को थोड़ा सा कंपेयर करना शुरू करें तीनों को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करना शुरू करें तो आप हमको बता चुके हैं आपने हमको क्या समझाया अगर हम तीनों को कंपेयर करें थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं वन बाय वन करके तो आपने हमको सर पहला बताया फैट लाइन दूसरा सर आपने बताया हाइड्रोलिक लाइन ठीक है ये आप आज पहले ही कंपेयर कर चुके हैं हाइड्रोलिक लाइन उनको बताया ठीक है फिर आपका इम्प्योर प्योर लाइन हो गया तो तीनों की अगर हम बात करें तो क्ले का परसेंटेज या हम कह सकते हैं क्ले का परसेंटेज धीमे धीमे क्या हो रहा है सर इसमें सर बहुत कम था ठीक है इसमें थोड़ा सा और बढ़ा और यहाँ पे अराउंड थर्टी से भी ज़्यादा पहुंच गया क्ले का परसेंटेज बढ़ रहा है हम कह सकते हैं इंप्योरिटी बढ़ रही है यस सर क्ले को एज इंप्योरिटी ट्रीट कर लो एज इंप्योरिटी ट्रीट कर लो ठीक है और अगर यहाँ हम बात करें परसेंट वो क्या नाम है जो कैल्शियम कार्बोनेट जो इसका मेन कंटेंट है वो परसेंट वो प्योर है वो प्योरिटी के लिए गिना जाता है ना तो फैट लाइन में कैल्शियम कार्बोनेट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है फिर थोड़ा सा कम होगा यहाँ सबसे ज़्यादा फिर थोड़ा कम और फुअल लाइन में काफ़ी कम पुअल लाइन में काफ़ी कम सत्तर के भी नीचे परसेंटेज है ना बासन में आ गई और जैसे से हम नीचे आएंगे अब यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं अगर हम जैसे से नीचे आ रहे हैं क्या हो रहा है अभी बताओ अगर हम यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं सर अगर हम इधर मूव कर रहे हैं इधर मूव करें देखिए सर जब हम इधर मूव कर रहे हैं तो देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी हम यहाँ लिखने जा रहे हैं बहुत ध्यान से लिखेंगे देखो इसका कलर कलर सर इसका डल पड़ेगा ठीक है कलर डलनेस इंक्रीज होगी मतलब ये वाइट से व्हाइट से क्या होगा सर ये ब्राउन की ओर मूव करना शुरू करेगा दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोसिटी की प्रॉपर्टी बढ़ी क्योंकि क्ले बढ़ रहा है क्ले के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हाइड्रोसिटी आ रही है ठीक है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज क्या होती बढ़ती है या कह सकते हैं हाइड्रोसिटी कड़ रही है लेकिन स्लेकिंग करने की क्षमता कम होगी क्योंकि स्लेकिंग सर वहीं पर ज्यादा होगी स्लेकिंग करने की क्षमता सर क्या होगी क्योंकि स्लेकिंग ज्यादा तब होती है जो हमारा सीएस की मात्रा बहुत अधिक रहे स्टार्टिंग है ना उसी से सी बनेगा यहाँ पे तुम जब इसको यूज करोगे इसको बर्न कर करोग सीओ ज्यादा बनेगा सबसे ज्यादा सीओ यहाँ बनेगा फिर सीओ यहाँ बनेगा फिर सीओ सबसे कम होगा है ना जहां सीओ सबसे ज्यादा वहां पर स्लेकिंग भी सबसे ज्यादा तो स्लेकिंग सबसे फास्ट ये करेगा नीचे वाले और कम करेंगे ठीक है और यूजिज अगर बात करो फ्लैट लाइम की तो वो हम लोग जो है बाहर प्लास्टरिंग पेंटिंग व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं फिर जैसे जैसे नीचे आओगे मेसनरी वर्क में और बेकार कामों में यूज करना शुरू कर देंगे उसको ठीक है समझ गए भाई सब लोग बताओ सब लोग समझ गए मेसनरी कंस्ट्रक्शन याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट मेसनरी कंस्ट्रक्शन हमारा ठीक है मेसनरी कंस्ट्रक्शन हमारा किसकी वजह से होता है हाइड्रोलिन ठीक है इसको कहां यूज करते हैं ये प्योर लाइम कहां यूज करते हैं इसको फाउंडेशन के अंदर यूज करते हैं ठीक है थीके? जो ब्रेक वर्क हमारा फाउंडेशन होता है ना तुमने तो देखा होगा फाउंडेशन के अंदर बिछाते हैं बहुत सारी फाउंडेशन के अंदर भी हम लोग ब्रेक वगैरह यूज करते हैं उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं ठीक है थीके? ये हमारा प्योर लाइम हो गया लिख देते हैं पे ब्रेक वर्क अराउंड फाउंडेशन इसका यूज एक सेकेंड या यूज नहीं लिखा हमने यहाँ पे ठीक है यूज लिख देते हैं इन फाउंडेशन एक बार यूज हो गया हो गया ठीक है चलिए सर हम लोग को ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लाइम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ लाइम या इम्प्योरिटीज़ कह सकते हो क्या होंगी यहाँ लिखते हैं ये लास्ट टॉपिक है इसके साथ हमारा लाइन हो जाएगा समाप्त तो और कोई क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा आपने सारे नाम हर तरह के यूज़ क्या क्या प्रॉपर्टीज है सब समझा दिया है इंप्योरिटीज इन लाइन स्टोन की बात अगर हम लोग करें तो देखो यार इसके अंदर मेनली छः इम्प्योरिटीज़ देखी जा रही है छे इंप्योरिटीज़ के अंदर देखी जा रही है मेनली एक एक करके सर हम यहाँ पे लिखते हैं वन बाय वन सारी की सारी सबसे पहले क्ले देखो एक बात सुनो हमारे लाइम के अंदर सर सी एस तो है ही सी एस योथ्री तो है। इसके अलावा सर क्या मिलता है इसके अलावा क्या मिलता है आपने हमको क्ले के बारे में समझा दिया इसके अलावा हमको क्ले मिलता है और क्या क्या मिल रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट है सिलिका है एल्कलीज है ठीक है कुछ आयरन कंपाउंड छोटे मोटे तो ये सारी चीज़ें हमको इसके अलावा मिलती हैं यहाँ पे वन बाय वन लिखते हैं और सबके साथ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं किस चीज़ से क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है वो भी देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले सर यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं क्ले सबसे पहला कौन है सर क्ले इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ठीक है क्ले में क्या होता है थोड़ा सा दिखेंगे फिर सर हमारा कौन है मैग्नीशियम कार्बोनेट फिर कौन है मैग्नीशियम कार्बोनेट फिर क्या देखने को मिल रहा है ठीक है अच्छा मैग्नीशियम कार्बोनेट और क्या नाम है कैल्शियम कार्बोनेट जब दोनों साथ में होते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट जब दोनों साथ में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोलोमाइट पत्थर कितने बच्चों को ही पता है डोलोमाइट पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसके अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों साथ में होते हैं पता तुम लोग को कंस्ट्रक्शन आपसे ही पढ़ना है पढ़ा देंगे बेटा चिंता ना करो और कितना दिन बिल्कुल बेटा सब हो जाएगा हो जाएगा बेटा बिल्कुल हो जाएगा हाँ तुम लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहे हो हाइड्रोलिक लाइम हाइड्रेट लाइम एक ही है यार प्रॉपर्टीज वही हैं देखो हाइड्रेटेड लाइम ऐसे अलग है हाइड्रोलिक अलग है हाइड्रोलिक हमने परसेंटेज प्योरिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया और हाइड्रेटेड हमने स्लेकिंग के बाद क्लासिफाई किया है ठीक है चलो ठीक है सर कहानी समझ गए हम लोग आप हमको जल्दी से बताइए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है कौन कौन सब्जेक्ट होगा बेटा यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं सर लोग पढ़ा रहे हैं बहुत सारे टीचर्स हैं जो यहाँ पे तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ठीक है चलो ओके शुरू करते हैं यहाँ पे तो जरा हम लोग बात कर लेते हैं क्ले की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्ले की हाँ क्ले हो गया सर मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया और क्या बता रहे हैं थोड़ा सा इसमें सोलिबल सिलिका प्रेजेंट रहता है सोलिबल सिलिका इसमें प्रेजेंट रहता है और सर क्या प्रेजेंट है और कुछ आयरन कंपाउंड्स होते हैं वो भी प्रेजेंट है कुछ आयरन कंपाउंड्स हैं सिलिकन होता है तुम सैंड समझ सकते हो कुछ आयरन कंपाउंड्स होते हैं थोड़ी एल्कलीज होती हैं ये सब इंप्योरिटीज़ हैं यार ये सब हमारी क्या है इंप्योरिटीज़ हैं जो हमको लाइम के अंदर देखने में मिलती है इसके साथ चैप्टर समाप्त होने वाला है अपना चैप्टर समाप्त हो रहा है एल्कलीज होती हैं कुछ सल्फेट्स होते हैं बस खत्म सल्फेट एंड एल्कलीज अब किससे क्या फ़र्क पड़ता है वो अब तुम लोग बताओगे किससे क्या फ़र्क पड़ता है ये बताएंगे सारे बालक लोग ठीक है इससे क्या फर्क पड़ता है ये तुम लोग बताओ एक-एक करके समझ लिया है ठीक है तो समझा रखा है, के बारे में सर आपने क्या बता है कि क्ले जो है हमको इंपार्ट करता है, इंपार्ट करता है कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज मेनली जितना क्ले ज्यादा जैसे तुमने अगर बात करी पुअर लाइम की तो पुअर लाइम के अंदर थर्टी परसेंट ज्यादा था क्ले तो उसकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा थी फिर सेकंड हाइड्रोलिक लाइन था उसकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी और कम थी सबसे बेकार हाइड्रोलिक कौन था फैट लाइन क्योंकि उसके अंदर क्ले की मात्रा बहुत कम थी तो यहां लिखेंगे इट 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 क्या भाई प्रॉपर्टीज हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज टू लाइन मतलब भाई हाइड्रोलिसिटी एबिलिटी टू सेट अंडर वाटर हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज टू लाइन ठीक है एक अच्छा लाइम अगर है तो उसमें लगभग आठ से तीस परसेंट की रेंज में लाइम क्ले होना चाहिए ठीक है एक्सिलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं समझ रहे हो हाँ, बिल्कुल सही है इसकी जो रेंज होती है जनरली जो रेंज होती है हमारी ये लगभग आठ से तीस और मधाई एट टू थर्टी परसेंट की रेंज में हमारा क्ले होना चाहिए जिससे हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज आपको एक्सिलेंट देखने को मिले हैं दूसरा सर कौन है हमारा दूसरा क्या हम देखने को मिल रहा है यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट देखने को मिल रहा है ठीक है मैगनीशियम कार्बोनो अच्छी एक्सीलेंट Uh, क्या नाम है एक्सेलेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी देता है और यहाँ पे स्लेकिंग हार्डनिंग ठीक है ये सब प्रॉपर्टी जो है इरेगुलरली देखने को मिलती है ठीक है अगर मैग्नीशियम लाइमस्टोन होगा मतलब ऐसा लाइमस्टोन जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ मैग्नीशियम लाइमस्टोन भी है तो उसके अंदर आपको क्या नाम है कैल्सिनेशन स्लेकिंग हार्डनिंग थोड़ा सा इरेगुलर तरीके से दिखाई देगी यहाँ लिख देते हैं ऐसे लाइमस्टोन जिसके अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट है वहाँ पर आपको इरेगुलर तरीके से इरेगुलर डिस्प्ले ऑफ इरेगुलर डिस्प्ले ऑफ क्या भाई हार्डनिंग ठीक है स्लेकिंग इनरेगुलर डिस्प्ले ऑफ हार्डनिंग सेटिंग और स्लेकिंग आपको देखने को मिलेंगी सेटिंग एंड स्लेकिंग देखने को मिलेगी लेकिन कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो यही सारी चीजें परफेक्टली होंगी लेकिन अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इनका परफेक्शन कम होगा और हमारा ये फैट से पुअर की ओर जाने लगेगा ठीक है पुअर के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट की संख्या बहुत ज्यादा होती है तभी वो डोलोमाइट होता है डोलोमेटिक उसको भी बोलते हैं ठीक है अच्छा और एक्सलेंट लेकिन हाँ लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी एक्सीलेंट है एक्सेलेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी है यहाँ पे एक्सीलेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है मैग्नीशिया की है ना ऐसे क्या नाम है एक्सेलेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है ऐसे पत्थर इनके अंदर पाँच परसेंट से ज़्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट देखने को मिलता है उनकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ही जबरदस्त देखने को मिली है ठीक है पाँच परसेंट तक भी अच्छी खासी प्रॉपर्टीज हमको मिल जाती है फिर बात करते हैं सिलिका फिर कौन है सिलिका सिलिका थोड़ा सा अच्छा नहीं है यार ठीक है इट हैज ये खराब कर देता है खराब कर देता है। तो, तो उसको लिखेंगे इट हैज डेट्रीमेंटल इफेक्ट या लिख सकते हो डिग्रेडिंग इफेक्ट इट हैज डिग्रेडिंग इफेक्ट इट हैज डिग्रेडिंग इफेक्ट ऑन लाइन मतलब खराब है उसकी प्रॉपर्टीज को खराब करेगा ठीक है क्यों खराब करता है इसका मेन कारण समझ लो मेन कारण क्या? क्या है देखो लाइम क्या है है लाइम का काम है बांधने का लाइम होता है इन नेचर सबको पकड़ के रखने वाला और सिलिका क्या है अलग अलग सिलिका सैंड समझो सैंड के दाने सारे अलग अलग रहते हैं उनके बीच में कोई उनकेजन नहीं होता है सैंड को अलग करता है लाइम सबको नेचर तो सीधी बात है अगर आप सैंड की मात्रा या की मात्रा बढ़ाएंगे तो लाइम की जो प्रॉपर्टी है वो खराब होना शुरू हो जाएंगी और उसमें एकदम ही एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा समझ रहे हो यस और नो बिल्कुल समझ गए सर ओके चलो अब बात कर लेते हैं आयरन कंपाउंड्स की तो आयरन कंपाउंड सर क्या है कि अगर आयरन कंपाउंड जनली एफ ई एफ ई सी ओ थ्री एफ टू एस ये सब तुमको देखने मिलते हैं मतलब इसके ऑक्साइड कार्बेट सल्फाइड सब तुमको देखने को मिलते हैं और ये हाईली अनडिजायरेबल है ये अनडिजाइरेबल हमको नहीं चाहिए ठीक है जनरली हमारे हाइड्रोलिक लाइन में दो से पांच परसेंट आयरन ऑक्साइड नेसेसरी है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं लिख देते हैं इन हाइड्रोलिक लाइन इन हाइड्रोलिक लाइन टू टू फाइव परसेंट टू टू फाइव परसेंट आयरन कंपाउंड आर नेसेसरी टू फाइव परसेंट आयरन कंपाउंड लेकिन वैसे तो ये undesirable हैं। ठीक है? वैसे तो सर यह अनबल है फिर सर, हमने क्या देखने को मिला यहां पर सल्फेट्स एल्कलीज तुमको देखो नाम समझ आ रहा है बेकार होंगी सल्फेट्स क्या है सर ये स्लिकिंग एक्शन को स्लो डाउन करते हैं डाउन स्लेकिंग एक्शन बस इतना सल्फेट की मात्रा बढ़ने से स्लेकिंग एक्शन क्या होगा स्लो होगा ठीक है तो तुम सल्फेट का यूज करके यूज क्या मतलब ये इंप्योरिटी है तो स्लेकिंग एक्शन कम होता है हम तो चाहते हैं स्लेकिंग बहुत अच्छी तरीके से हो है ना और स्लेकिंग जब स्लो होता है तो सेटिंग का टाइम क्या होता है बढ़ जाता है जब रिएक्शन आराम आराम से होगी यहाँ पे लिख सकते हैं एंड इट ऑल्सो इनक्रीज एंड इनक्रीज सेटिंग टाइम्स ऑफ लाइन ठीक है

अनडिजायरेबल ठीक है चलिए सर बात समझ में आ गई है ये सारी की सारी इंप्योरिटीज आपने बता दी अच्छा इनके अलावा ये जो छह आपने सर यहाँ लिख दिए हैं इन छह के अलावा हमको और क्या देखने को मिलता है वो मिलता है सीएस यू ठीक है मतलब आप सर हमको ये बताना चाहते हैं कि लाइम के अंदर ठीक है लाइम जो आप लेके आ रहे हैं जिससे आप फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम और कुर लाइम बनाने जा रहे हैं उसमें सर क्या देखने को मिल रहा है उसके अंदर सी एस के अलावा ये सारी चीज को देखने को मिल रही है ठीक है सी एस के अलावा तुमको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी ओके बहुत धन्यवाद बच्चों तुम लोग बहुत तारीफ करो सब आगे जाओगे बेटा बहुत आगे जाओगे बादशाह अभियंता कहाँ से इतनी बढ़िया हिंदी सीख रहे हो तुम लोग हैं चलो ठीक है तो ये समझ गए होंगे सब लोग स्टेयर बेटा पढ़ा देंगे यार तुम लोग सब पढ़ा देंगे स्टेर में कुछ नहीं है तुमको एक बार एक वीडियो हमने यूट्यूब बना भी रखी है तुम लोग चाहो तो देख सकते हो ठीक है इसके साथ हमारा लाइन समाप्त हो गया सर लाइन समाप्त हो गया आपने सब हमको समझा दिया वैसे लाइम के और भी यूज हैं इससे पुट्टी वगैरह ही बनती है ठीक है पुट्टी में भी लाइम का काफी यूज होता है ठीक है चलो ठीक है बस इतना बहुत है हमने सारे सर इसके क्लासिफिकेशन फॉर्म देख लिए ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम है इसमें स्लेकिंग सबसे ज्यादा होती है कलर इसका व्हाइट होता है अब प्लास्टिक पेंटिंग तुमसे एग्जाम में सवाल क्या पूछेंगे सुन लो सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे वैसे तो हम तुमको स्पेशल क्लास में करवाई देंगे सारे सवाल सवाल जनरल ये सब बनते हैं कि भाई हमारा जो रिच लाइम है उसको हम लोग कहाँ मेसनरी में यूज़ करते हैं प्लास्टिक में यूज़ करते हैं तो उनको पता होना चाहिए उसको हम लोग प्लास्टिक और वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं ठीक है तुमको उनको यूजेज देंगे तो ये तुमको पता रहना चाहिए चलिए ठीक है और बाकी हमने सारी जो बेसिक डेंशन है उन्हें समझ ली और ये हमारा लाइन का मेन साइकिल है जो आपने हमको स्टार्टिंग में समझा दिया था इसके अलावा लाइन में और कुछ भी नहीं है ठीक है तो आई होप तुम लोग को बहुत अच्छी तरीके से मज़ा आया होगा और तुमने लाइन का पूरा सिस्टम समझ लिया होगा कमलेश कह रहे हैं बीएमसी कब खत्म हो गया बेटा बीएमसी तो खत्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट सारे मेन मेन टॉपिक्स तो खत्म ही हो गया जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं अब जो टॉपिक बच रहे हैं वो सारे लीस्ट वेटेज वाले हैं जिनका वेटेज ज़्यादा नहीं है जैसे अब हम लोग एग्रीगेट पढ़ेंगे और हम लोग क्या पढ़ेंगे सर हम लोग फ्लाई फ्लाईश पढ़ लेंगे एक दिन एक दिन लोग क्या पढ़ेंगे एक दिन हम लोग क्या नाम है प्लास्टिक्स पढ़ लेंगे एक दिन ग्लास पढ़ेंगे एक दिन हम लोग फेरस मेटल्स पढ़ेंगे एक दिन हम लोग एल्यूमिनियम देखेंगे तो ये सब छोटे मोटे टॉपिक जो कभी एस पूछे भी नहीं गए ई एस के सिलेबस में है, तो इससे हम तुमको पढ़ा देंगे अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है कुछ बच्चे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए कह रहे हैं जैसे डोर विंडोज स्टेयर वगैरह वो भी तुमको पढ़ा देंगे टाइम मिलते ही और क्या नाम है तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग अब सारे ही अनकन्वेंशनल टॉपिक्स जिनका वेटेज ज्यादा नहीं है वो हम लोग अच्छे से कवर करते चलेंगे ठीक है जैसे एस एसी में पेंट वार्निश वगैरह भी पूछ लेता है तो वो भी तुमको हम बता देंगे धीमे धीमे ठीक है चलते रहो और वरना देखो इन सभी की स्पेशल क्लास हमने ले रखी है स्पेशल क्लास तुमको अन एकेडमी के ऐप पर मिलती है तुम जानते ही सब लोग ठीक है तो चलो आई होप सबको बढ़िया समझ में आया होगा सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में तहल्का मचा देंगे और बोल देंगे लाइम तुम लोगों ने पढ़ लिया लाइम कैसा लगा तुम लोगों को ठीक है तो याद रखना यार सब लोग अच्छे से ये सब चीज़ें और तुमको एक बात बताएं यार थोड़ा सा देखो एक बात आज बताने का मन कर रहा है एक बात आज बताने का मन कर रहा है खत्म करने से पहले ठीक है अच्छा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी पढ़ना है चलो वो भी बता देंगे ठीक है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तो वैसे हमने प्लस से पढ़ा रखा है अभी प्लस से पढ़ा रखा है चलो ठीक है देखो यार लाइम पता है बहुत कमाल की चीज़ है लाइम का एप्लीकेशन इतना ज़्यादा है अगर तुमने यार इवायरमेंट पर रखी हो तुमने देखा होगा इन्वायरमेंट में हम लोग उसको ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं याद करो एलम के साथ हम लोग लाइम मिलाते हैं ताकि एलम को कोलिटी प्रोवाइड कर सकें पता है ना उन लोग को ये बातें ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में लाइन का कैसा होता है सही बात है सॉइल के स्टेबलाइजेशन में हमने पढ़ रखा है सर सॉइल के स्टेबलाइजेशन हम लोग अपना कैल्शियम को रिप्लेस करते हैं सोडियम से ठीक है वहाँ पे भी मतलब सोडियम को कैल्शियम से रिप्लेस करते हैं मतलब वहाँ भी लाइम का यूज करते हैं ठीक है तुमने पढ़ रखा होगा रिप्लेसन सॉल में यूज करते हैं बाकी जो हमारी कांच बनती है इंडस्ट्री में ग्लास वहाँ पे हम लोग लाइम का यूज़ करते हैं बाकी मेटलर्जिकल ऑपरेशन यूज करते हैं प्लास्टरिंग में तुमने देखा पेंटिंग में तुमने देखा वाइट वॉशिंग में देखा तुमने मेसनरी में देखा स्टोन मेसनरी ब्रिक मेसनरी ठीक है और काफ़ी सारे ऑर्नामेंटल वर्क में भी हम लोग यूज़ करते हैं तो आए घर में जो टाइल्स लगते हैं उस टाइल्स के बीच में भी लाइम लगता है मतलब कुल मिला सर बहुत सारे एप्लीकेशनस है जो आप बता रहे हैं यहाँ पे है ना बहुत सारे एप्लीकेशन है किसके लाइम के तो आई होप तुमको सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सी बी एम का फुल फुल कोर्स आगे होगा हाँ बेटा ए सी के लिए सब कुछ होगा हाँ बिल्डिंग मटेरियल गेट के लिए पूरा पढ़ा चुके हैं सब खत्म हो गया है गेट वाले सारे टॉपिक्स सा ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉस्टिव लेके चल रहे ले हैं ठीक है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा ए सी के हिसाब से लेके चल रहे ले हैं गेट वाले सारे टॉपिक ऑलरेडी हो ही चुके हैं तो चलो बात समझ गए होंगे सब लोग सब लोग बात समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से चलो भाई टेक केयर एंड करते हैं सेशन को हम लोग और काफी मजा आया सर आज हम लोग को पढ़ के और अब देखो शाम को सारे बच्चे आरसीसी सी की क्वेश्चन प्रैक्टिस जुड़ जाएंगे इसका लिंक तुमको अभी अपने टेलीग्राम चैनल भेज रहे हैं जो बच्चे सर के साथ जुड़ना चाहते हैं अच्छे से पढ़ना चाहते हैं डाउट सॉल्व करना चाहते हैं अपने वो सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लो टेलीग्राम पे और उसमें नीचे डिस्कस ऑप्शन आएगा डिस्कस बटन दबा के तुमको जो भी बातें लिखनी है जो भी नोट्स चाहिए जो भी पी डी एफ तुमको सब मांग सकते हो मिल जाएंगे ठीक है सब कुछ इस टेलीग्राम चैनल में पड़ा हुआ है यूट्यूब के सारे नोटिफिकेशंस वीडियो के और जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं फ्री क्लासेस सारी उन सबके नोटिफिकेशन उनको तो यहाँ पे मिलते रहेंगे ओके चलिए सर एकदम बात समझ में आ गई है तो थैंक यू एवरीवन सब लोग अपना ख्याल रखेंगे ठीक है देख लो सिलेबस देखो अपना ये सब बचा हुआ अभी देखो स्टोन हो गया हमारा लाइम हो गया है अब ग्लास प्लास्टिक स्टील एफ इसी सीक्वेंस लेते हुए चलते हैं हम लोग ठीक है फिलहाल हम लोग कल एग्रीगेट पढ़ेंगे कल हम लोग थोड़ा सा एग्रीगेट जरा पढ़ लेते हैं तो एल्यूमिनियम फ्लाई बस थोड़ा छोटा छोटा बचा हुआ अब ज्यादा कुछ नहीं है तो मान के चलो पाँच छह क्लास और मान लो या हद से हद बीस तारीख तक हम लोग इसको खत्म कर देंगे ठीक है तो चलो आई होप सबको बढ़िया से मजा आया होगा सो टेक केयर एवरी थैंक यू ख्याल रखो अपना ठीक है चलो भाई ये होती बात हाँ सब बता देंगे यार एस एस के टॉपिक्स एक बार बता देंगे देखो यहाँ पे बेटा था कल बताते हैं चलो ठीक है चलो टेक केयर यार टेक केयर It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest Engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. An academy combat is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators, with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and when big participate in every contest to improve your ratings challenging contests every fortnight or alternate sunday live ranking after every question big rewards for top rankers your passion to crack gate deserves this your hard work towards your dream deserves this fuel your inner fire for the ultimate gate challenge Unacademy academy combat register now